ढोलकपुर में मिशन के पहले ही दिन मेरी नजर एक रहस्यमय पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें दो हिरन एक दूसरे को कुएं में बुला रहे थे। पूरा ढोलकपुर एक बंजर इलाका था, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत होती थी। इसी वजह से लोग वहां पे नोट नहीं सिक्के रखते थे। यहाँ पे 500 के सिक्के चलते थे। मैंने सोचा मिशन तो होता रहेगा, मैं ढोलकपुर घूमने निकल गया। वहीं मेरी नजर कुछ लोगों पे पड़ी जो अजीब सा खेल खेल रहे थे। मुझे पता चला कि इस गेम को जीतने पर 500,000 सोने की मोहरें मिलती हैं। आओ देखा ना था, और मैं भी खेलने बैठ गया। गेम के बीच में बताया गया कि हारने पर 10,00,000 रुपए देने होते हैं। अब बैठ गया था तो गेम खेलने लगा। मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया और हार गया। अब शर्त के मुताबिक 10,00,000 रुपए देने थे। मैं भी पीछे हटने वालों में से कहा था, आगे से दौड़ के भाग गया। नगर में आगे बढ़ा तो एक नया कर्तव्य देखने को मिला। पूछने पर पता चला कि इस यंत्र को लट्टू कहते हैं। ढोलकपुर के महाराज ने इस यंत्र को चलाने के लिए खास एक इंजीनियर रखा हुआ था, परंतु वो लॉकडाउन वाले बैच से पास आउट था, इसलिए एक बार भी लट्टू नचा नहीं पाया। देखकर बड़ी निराशा हुई। तभी उधर से एक और आदमी आ गया और उसने बोला, ये मैं कर लेता हूँ, तुम जाके ड्रीम इलेवन पर टीम बना लो। तभी मेरी नज़र दूर कहीं एक स्टेडियम पे पड़ी, जो दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी। टॉस हारने के बावजूद हाथ पैर जोड़ने पर मुझे बैटिंग दे दी गई। मेरी बैटिंग देखकर सब हैरान हो जाते थे, क्योंकि इतनी बेकार बैटिंग कोई नहीं करता था। आउट मैं देता नहीं था, इसलिए मुझे आउट करने की साजिशें होने लगी। एक लड़के ने मेरा बैट पकड़ लिया और बोला कि तुम आउट हो। उसने बोला, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं भी कम ईमानदार थोड़ी था, बैट लेकर ही भाग गया और मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। पास ही खड़े मुंबई इंडियंस के फैन हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा करके आपस में ही लड़ गए।